वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। अभी मैं जा रहा हूँ सिविल लाइन स्टेशन, पिताजी जा रहे हैं मुंबई तो उनको छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। हम लोग बाइक से थे यहाँ तक, सिविल लाइन तक बाइक से आए, तीन लोग थे, बाइक एक ही थी, तो तीनों लोग बाइक से आए। उसके बाद सिविल लाइन, क्योंकि यहाँ पे चेकिंग ज़्यादा होता है तो हम लोग निकल, मैं यहीं पे सिविल लाइन हनुमान मंदिर पास रुक गया और पिताजी और विनोद जो थे वो चले गए बाइक से ही। डायरेक्ट हम सिविल लाइन जंक्शन पे ही मिलेंगे, तो फ्रेंड्स फटाफट चलते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो रहा है। देर तो नहीं हो रहा है, वैसे ट्रेन है लगभग 10 बजे ट्रेन आएगी, तो फटाफट हम लोग राइट टाइम से फटाफट हम लोग निकलते हैं अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, सिविल लाइन का कुछ आपको सीन दिखा देते हैं। ये रोड सीधा स्टेशन की तरफ जाती है। अभी यहाँ से आगे मुझे दाहिने साइड मुड़ना है स्टेशन के लिए, कचहरी कंपनी का सिविल लाइन स्टैंड लोक निर्माण नाजरत हॉस्पिटल, ये डायरेक्शन दिया जाने के लिए। तो फ्रेंड्स इसमें ठंडी मतलब कुछ ज़्यादा है, देखिए मेरे कुछ पीछे देखिए कोहरा पड़ा होगा, तो इसीलिए मैं जैकेट और ये मफलर सब लेके चला हूँ क्योंकि ठंडी कुछ ज़्यादा है। और बाइक से भी आ रहा था तो हवा भी लग रहा था। तो फ्रेंड्स अभी मैं कुछ दूर आ चुका हूँ, बस आधा किलोमीटर और जाना है पैदल। अगर वो बाइक से लेने आ जाते हो ठीक है, नहीं तो मैं आधा किलोमीटर पैदल ही जाता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो चलते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। आप लोग इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, फुल इन्जॉयमेंट होगा। फ्रेंड्स अगर आप लोग नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स इस साइड से मैं आया, मुझे ये चौराहा है और इस साइड सीधा जाना है, तो अभी 100-200 मीटर और बाकी है। ये महिंद्रा का शोरूम है, रेलवे स्टेशन का जो ट्रैक है उसके ठीक सामने महिंद्रा का शोरूम है। ये देखिए फ्रेंड्स, स्टेशन के सामने पहुंच गया मैं, कोहरा है काफ़ी इसलिए साफ दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय फ्रेंड्स अगर टाइम देखा जाए तो 8:30 हो रहा है। ये देखिए क्या चीज़ है, ये देखिए ये सब रेलवे कॉलोनी है। मैं इस रोड से आ सीधा अब जा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये सब रेलवे कॉलोनी है। फाइनली फ्रेंड्स मैं अभी यहाँ पे पहुँच गया हूँ स्टेशन की तरफ। ये फ्रेश रूम्स है, यहाँ पे देखिए फ्रेश रूम्स है, इस साइड है पूरा नज़ारा। और यहाँ फ्रेंड्स चार्ट है, मैं देख लेता हूँ कि कितने बजे तक ट्रेन लगेगी। ये देखिए फ्रेंड्स ये चार्ट है, इसमें हम देख लेते हैं कितने बजे ट्रेन आएगी, साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं। महानंदा एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम, इसमें फ्रेंड्स कोई ट्रेन नहीं है अभी। महानंदा हिंदी में दिखा रहा, चोरी चोरा बुंदेलखंड, रीवा, अजीमाबाद एक्सप्रेस, महाबोधि, ये देखिए फ्रेंड्स भी इंक्वायरी है, पूछताछ है, अनारक्षित टिकट घर, टिकट घर है। और यहाँ पे टॉप 10 प्लेटफॉर्म नंबर 2, ये प्लेटफॉर्म संख्या M10 पर जाने के लिए यहाँ से है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जाने के लिए यहाँ से है। प्रयागराज जंक्शन ये है इसका फ्रंट से। तो फ्रेंड्स ट्रेन जो है आएगी 7 नंबर पे, तो 7 नंबर इस साइड है, 7 नंबर की तरफ चलते हैं। मैं इस साइड जा रहा था तो उस साइड मतलब 7 नंबर नहीं लगता है, तो पूछने पे पता चला कि 7 नंबर इसी साइड पे है। तो चलते हैं, पिताजी को बुलाते हैं और वहाँ पे उनको छोड़ कर फिर जाते हैं, क्योंकि ट्रेन आएगी 11 बजे लगभग। ट्रेन फ्रेंड्स आएगी 11 बजे, काफ़ी लेट हो जाएगा हम लोग को निकलना, इसलिए उनको स्टेशन सामान नहीं है कुछ, स्टेशन पे छोड़ के निकलते हैं फटाफट। और ये देखिए होटल बोलो मैक्स है, ये देखिए बड़ी सी बिल्डिंग है। तो फ्रेंड्स पिताजी को हमने छोड़ दिया है, वो चले गए स्टेशन पे, 8:30 बज रहा है, मैं निकल रहा हूँ क्योंकि वो बोले कि आप लोग जाइए मैं चले जाऊँगा, तो हम लोग अभी निकल रहे हैं। आप लोग फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिएगा, पूरा सीन आपको दिखाएंगे, तो चलते हैं आगे अभी। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं जहाँ प्रयागराज लिखा है, तो ये हनुमान मंदिर सिविल लाइन है, तो हनुमान मंदिर सिविल लाइन के पास आ गए हैं। आपको ही पूरा सीन दिखा रहे हैं इस साइड, ये देखिए। और जैसा सीन है यहाँ का,
उस साइड फ्रेंड्स हनुमान मंदिर शिव लाइन है और मैं अभी यहाँ पे हूँ। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटो क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से थोड़ा निकलेंगे क्योंकि काफ़ी तेज ठंड है, तो लोग फोटो क्लिक करके निकलते हैं। और फ्रेंड्स देखिए उस साइड जो है उस साइड वो सिविल लाइन में जो हनुमान जी का बोला जाता है, हनुमान जी का मंदिर है उस साइड पे। तो पहले यहाँ पे एक छोटी सी मंदिर होती थी इस साइड पे, क्योंकि मंदिर को हटा दिए हैं तो उस साइड उधर वहाँ पे मंदिर है। तो ये काफ़ी अच्छा लुक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चौराहा है सिविल लाइन का। सो फ्रेंड्स हम लोग पिताजी को ट्रेन में बैठा दिए हैं और यहाँ पे आए थे, तो सिविल लाइन में हनुमान मंदिर के आते हैं वहीं पे रुके हुए हैं थोड़ा फोटो क्लिक करने के लिए। हैं विनोद जी हमारे रिलेशन में है, मतलब हमारे साथ में ही रहते हैं, तो मतलब दोनों लोग साथ में ही आए थे पिताजी को बैठाने ट्रेन पे, वो गए मुंबई। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए, देखिए पीछे काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है पीछे साइड पर, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अभी फ़ोटो क्लिक हो गया, आप लोग फटाफट निकलते घर के लिए क्योंकि काफ़ी ठंडी भी पड़ रही है, कोहरा काफ़ी तेज़ हो रहा है, ये देखिए कोहरा। और पीछे आप देख सकते हैं ये कलर्स में पानी निकल रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग फटाफट निकलते हैं। कैसे है ये? हाँ 650। मच्छरदानी नहीं है? सिंगल नहीं, वैसे एक आता है ना मच्छरदानी, मच्छरदानी कह रहे हैं। कुछ लिए चली का देखा, प्याज पीछे प्याज प्याज नहीं है। कैसे प्याज प्याज कैसे? गोभी 25 से 20। कितना? 30। वीडियो बना रहे हैं? हाँ क्यों? यूट्यूब पे डालते हैं ना, ये लीजिए। किस नाम से भाई? यस दिव्यांश व्लॉग्स। यस दिव्यांश व्लॉग्स लास्ट, यस दिव्यांश व्लॉग्स डालेंगे आ जाएगा, ठीक है। सो फाइनली फ्रेंड्स अभी हम लोग घर पहुँचे, सब्जी वब्जी सब सब कुछ लेके, देखो यहाँ पे सब्जी रखी हुई है, तो सब्जी लिए यस दिव्यांश यहाँ पे खेल रहा है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, अभी बहुत तेज भूख लगी है, 9:30 बज गया है, देखते हैं खाना क्या बन रहा है। अरे पूड़ी छन रही है, ये देखिए पूड़ी बन रहा है ये, और उसमें वो कढ़ाई में वो सब्जी है, और क्या है, और क्या बना रही है? पूड़ी सब्जी चावल और रोटी, चटनी कौन सा है? इमली बनाइए क्या? इमली फिर लेके आओ, एक पाव अभी खत्म नहीं हुआ तो फिर लेके आओ। और फ्रेंड्स इमली की चटनी बनी हुई है, तो अभी जैसे पूड़ी बन जाता है तो हम लोग फटाफट खाते हैं और उसके बाद आराम करते हैं। क्या हुआ, क्या बोलो कुछ?
सिर्फ हंसोगे? बाय। सिर्फ हंसने आता है? बाय। कैसे हैं आप लोग? बोलो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? बोलो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखो पहलवान साहब आ गए हैं। हमारे पहलवान हैं। अरे बोलोगे कि देखोगे? गुड नाइट। सही गुड नाइट। फ्रेंड्स ये चप्पल लेके आए हैं। कितने का था? 80। दोस्तों पढ़ा लिया? 80 रुपए का चप्पल मिला है ये। इधर भी ना इधर 80 रुपए का चप्पल लेके आए हम लोग इनके लिए, पहलवान साहब के लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब खाना बन रहा है, जैसे बन जाता है खाना पीना खा के सोते हैं, आराम करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स वीडियो को एडिट करना, फिर अपलोड करना है। तो देखिए पूरी छन रही शायद। तो फ्रेंड्स अब इस वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। और अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज लाइक करिए, जरूर करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा उसको। और कमेंट करें, जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स अब मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तो बाय बाय।